गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो स्वागत है आपका मेरे अपने इस YouTube चैनल में द एच पी कत्ती राइडर में। तो आपको मेरे चैनल पे दिखेगी मोटो ब्लॉगिंग और बाइक्स और फुल मज़े। तो सो गाइस, करते हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। तो दिखाते हैं आपको अपनी बाइक और लेके चलते हैं और अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। और मैं हूँ हिमाचल से, तो हिमाचल की वादियाँ वैसे भी इतनी प्यारी होती है, तो लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। तो हमने सोचा आपको हिमाचल के व्यू दिखाया जाए। चलो तब शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रही हमारी बाइक KTM RC 200। ये है मेरा हेलमेट और व्यू चेक करिए आप एक बार। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, ये देखिए ऐसे कुछ रास्ते हैं। और ये सारा काम हो रहा है 4 लाइन का, जो नया 4 लाइन बन रहा है अभी, जो हिमाचल से ले चंडीगढ़ वाला जो बन रहा है। सो चेक करें एक बार व्यू, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, मिलते हैं आपको सीधा अपनी बाइक पे। तो सो गाइस, पहुंच चुके हैं हम अपने बाइक पर और ये है हमारा यहाँ का पुल। तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और ये रही मेरी बाइक, जिसमें कि तेल भी नहीं है अभी, आप देख सकते हैं बिल्कुल। सो गाइस, जा रहे हैं हम अपने कॉलेज में। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है वरुण और मैं हूँ हिमाचल से, हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट से। मेरे गांव का नाम है डहर। तो ऐसी कुछ सड़कें हैं यहाँ पर और हम जा रहे हैं कॉलेज। तो मेरा कॉलेज है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर बिलासपुर में। तो हम जा रहे हैं बाइक लेके। आज है जन्माष्टमी, तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज हमारे कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ है। तो आज हमारा पहला ब्लॉग है, तो हमें इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है जैसा बन। तो गाइस, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलना, आईडी आपको शो हो रही होगी मोबाइल स्क्रीन पे। हम पहुंच चुके हैं मेन रोड पे, जो कुल्लू मनाली वाला हाईवे है, उस रास्ते पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें कराना है फ्यूल अप, क्योंकि बाइक में तेल भी नहीं है, तो हमें जाना है तेल डलवाने। तो यही है पेट्रोल पंप साथ में, तो यहाँ पर तेल डलवाएंगे। हाँ, यहाँ पर तेल डलवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, तेल हमने डलवा लिया है, तो अब चलते हैं सीधा कॉलेज। व्यू चेक करें आप, तो कितने ही प्यारे पहाड़ हैं यहाँ पर और कितने ही अच्छे लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल मज़ेदार। ये रहा चंडीगढ़ हाईवे, जिस पे कि मेरा कॉलेज है। बिलासपुर यहाँ से 11 किलोमीटर है, आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ 146, दिल्ली 396। और रोड तो पहले से काफ़ी ठीक हो चुका है, पहले तो पूरा रास्ता टूटा हुआ था ये, लेकिन अब पूरा रास्ता नया बना है, जिसके कारण की मतलब मज़ा आता है बाइक चलाने में। और ऐसे लीन करते हुए अच्छे से, आपको हमारे चैनल पे हर एक चीज़ दिखेगी बाइक से रिलेटेड, बिल्कुल अच्छे अच्छे व्यू, अच्छी अच्छी जगहें, और ऐसे ही घूमते फिरते रहेंगे और आपको भी घुमाते रहेंगे साथ में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें नई नोटिफिकेशन के लिए। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, आईडी आपको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, तो प्लीज़ फॉलो करना।
अपना प्यार हर जगह दिखाना है तो वहाँ पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी देखने के लिए, और ज़रूर ज़रूर फॉलो करें हर जगह से हमें। और देखिए कितना ही अच्छा लगता है, बिल्कुल ग्रीन व्यू, और बारिश की वजह से पूरी में ग्रीनरी है, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि लोग यही देखने के लिए बाहर से आते हैं हिमाचल में। और बिल्कुल आज ठंडा मौसम है, आज धूप नहीं है, जिसके कारण बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं लग रही है हमें, और हम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपनी राइड को। धूप की वजह से गर्मी है आजकल बहुत ज़्यादा, लेकिन आज मौसम अच्छा है क्योंकि आज धूप नहीं है। सूरज मामा आज हमसे बहुत खुश हैं कि हमने आज नया चैनल शुरू किया है। तो यहाँ से है चंडीगढ़ 140। तो आप बताएं कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग, अच्छा लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। सो गाइस, हम पहुँचने वाले हैं अपने कॉलेज, ये हम बिलासपुर में एंटर कर चुके हैं, और ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है, पहाड़ देख सकते हैं आप, ये ऊपर बंदला है, यहाँ पर भी हम जा सकते हैं, आपको दिखाएंगे आने वाले ब्लॉग में। ऊपर का मौसम बिल्कुल ही ठंडा रहता है, जैसे कि अपर एरिया का होता है, और बहुत ऊपर जाके है, तो हम आपको दिखाएंगे, बनाएंगे यहाँ का ब्लॉग और आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या है ऊपर। और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होती है, जो कि बाहर के टूरिस्ट आते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम पहुँच चुके हैं अपने कॉलेज में, एंटर कर चुके हैं। और ये रहा हमारा कॉलेज का रास्ता, और ऐसा कुछ है हमारा कॉलेज, ये हमारा कॉलेज। तो चलते हैं अब कॉलेज के अंदर सब। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज, तो मिलते हैं आपको अब अपने कॉलेज के बाद। 2 hours later. सो गाइस, तो चल पड़े हैं हम कॉलेज से। कॉलेज में ज्यादा कुछ किया नहीं आज, क्लास से हुई नहीं, तो चलते हैं अब कॉलेज से। अब जा रहे हैं हम मॉल में, मैंने लेने हैं ओट्स, तो उनको लेके चलते हैं सीधा घर और अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ब्लॉग हमारा ब्लॉग कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे YouTube चैनल को, द HP कत्ती राइडर। तो सो गाइस, मिलते हैं ऐसे ही नए नए ब्लॉग के साथ आपको, और लेते हैं आपसे अलविदा। तो सो हाँ, बाय गाइस।